कितने परसेंट लोगों को लगता है कि औरतें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने औरत होने का फायदा उठाती है? तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। सिक्सटी परसेंट। लेट्स सी व्हाट द जेंटलमैन हैव टू से। मतलब लेडीज और जेंटलमैन के स्कोर तो मैच हो गए। अच्छा तो मुझे बताइए, आपको ऐसा लगता है कि औरतें अपना औरत होने का फायदा उठाती है? मुझे ऐसा लगता है फायदा नहीं उठाती है, बट लोग इस तरीके से देखते हैं कि वो फायदा उठाती है। आई फील कि अगर कोई लड़की जल्दी सक्सेसफुल हो गई, भले ही वो अपने टैलेंट से हुई हो, लोगों को लगता है ओ ये तो सोई होगी पक्का बॉस के साथ या प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ सोई है, इसलिए इसको फिल्म मिल गई या इसलिए इसको पोजीशन मिल गई। आई एम ऑल्सो अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, तो बहुत सारे लोग थिंक दैट अच्छा कुछ ना कुछ तो इंडस्ट्री में किया होगा ताकि वो आगे बढ़ी, क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर है नहीं, ना मेरा कोई फैमिली मेम्बर है जो एक्टर है। सो बैक बिचिंग भी होती है जहाँ लोग सोचते कि हाँ कुछ ना कुछ इसने किया होगा आगे बढ़ने के लिए। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि हाँ लड़कियाँ करती भी हैं। आज की डेट में आप सोशल मीडिया खोल के देख लो, बहुत क्लियरली दिखता है कि कुछ लड़कियां जो बहुत ज़्यादा अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करती हैं, अपने स्किन शो को यूज़ करती हैं, दिख रहा होता है लड़के भर भर के लगे हुए हैं कॉमेंट करने, दे आर ओके विद इट। पर ये चीज़ हर जगह वो अप्लाई करते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि कई बार लड़कियाँ दे जस्ट आर ओपन अबाउट देयर बॉडी एंड दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मे बी शायद से उनका एजेंडा ये नहीं होता है कि आई वॉन्ट मोर लाइक्स और मोर कॉमेंट्स और मोर फॉलोअर्स। आशा पता क्या होता है, हमको एज मेन ना हमें पता चल जाता है बड़े क्लियरली कि कौन बंदी जो है वो कम्फर्टेबल है और वो ऐसी ही है और कौन इन योर फेस। तो भाई वही बात है ना, हम जज करने जाते हैं ना। अब लड़के बॉडी बनाते हैं ऐप दिखाएंगे तो वो परफेक्ट है, और लड़कियां दिखा देंगी तो यार ये क्या है। हमने अगर क्लीवेज दिखा दिया, हम लोग एक्सट्रीमली ग्रूम्ड है तो हमको दूसरे नजरिए से देखा जाता है। और बहुत बार ये भी होता है कि लड़कियां दे आर मोर पोलाइट इन नेचर, दे आर स्वीट टू एवरीबॉडी, वो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत फ्लर्ट करती है। लाइक I'm talking about my personal experience. Sure. If I like being friendly with everybody, so I personally love being friendly with everybody on set. Har kisi se baat kar liya, cameraman, DOP, director, sabke saath. To logo ko lagta hai, oh, ye to har kisi ke saath itni comfortable hai. Wo comfortable wala zone logo ko lagta hai ki, arre matlab ki maybe shayad zone iska wo wala hai, which is not true. Yeah. So I think ladkiyon ke saath wo bhi bahut zyada misconception ek ho jata hai. Also in a lighter way, girls do take advantage. वो होता है ना कि hi, how are you? ये सब क्या होता है? This is all taking advantage only. हाँ, जैसे अभी वो वीडियो देखी थी हमने, वो से अब मैम बोलते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो भाई करेंगे ना बर्तन। Sometimes it's about being charming also. Like if a man uses his manliness to be out there and charming to a woman, which a woman likes, why is it not the other way around as well? Men are being called charming. Yeah. We are sexy. Kya baat hai. Entertainment aur talent ki mega mall. Mega mall. Chalo dekhte hai kya hai India ki soch. 60. इंडिया की सोच है 60%। और फाइनली मैच कर गई जेंटलमैन और लेडीज की सोच के साथ। ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू। वॉच प्ले विन नाउ।